हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डू कंजक्शन वर्कशीट। इससे पिछली वीडियो में हमने कंजक्शन डिस्कस किए थे। व्हाट आर कंजक्शंस? कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड फ्रेज। सो टुडे वी विल डू द वर्कशीट ऑफ कंजक्शन एक्सरसाइज फर्स्ट। And but they are conjunctions, and how to use and connect matching ideas. And conjunction matching ideas को connect करता है, जो कि same idea होते हैं। And but connects opposite idea. And but connect करता है opposite ideas को। Now see, write and or but to complete the sentences. We have to fill and but. We have to use and conjunction and but conjunction. And for matching idea and but for opposite idea. जो कि opposite है। Nimi went to the zoo. She saw animals. ये क्या है? Matching idea. Nimi zoo गई और उसने animal देखे। So and. Nimi went to the zoo and she saw animals. Next, she took an umbrella. It did not rain. उसने एक अम्ब्रेला ले गई, वह एक अम्ब्रेला ले गई लेकिन बारिश नहीं हुई। So opposite idea है। So conjunction but. Rhea ran in the race. Her friend cheered. Rhea रेस में दौड़ी और उसके दोस्तों ने उसे cheer किया। So same idea है and. I washed the clothes. They were still dirty. मैंने कपड़े धोए लेकिन क्या है, वो अभी भी डर्टी हैं। अपोजिट आइडिया है। सो बट। जिमी ड्रॉ पिक्चर, ही सॉ इट टू हिज पेरेंट्स। जिमी ने एक पिक्चर बनाई और उसे अपने पेरेंट्स को दिखाई। सो एंड। इट वॉज नाइट टाइम, जैन कुड नॉट फॉल असलिप। यह रात का समय था लेकिन जॉन सो नहीं सका। सो हेयर अपोजिट आइडिया इज देयर बट। It was night time, but Jan could not fall asleep. Next, the man looked scary. She was friendly. The man looked scary, but she was friendly. लेकिन वो क्या था? Friendly था। Man scary लग रहा था, डरावना लग रहा था, लेकिन वो friendly था। Opposite idea है। So here we will use but conjunction. इस exercise में हमने and but conjunction को किया, and फॉर मैचिंग आइडिया एंड बट फॉर अपोजिट आइडियाज। नेक्स्ट इज सो और। सो कंजक्शन एंड और कंजक्शन। सो कनेक्ट प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन। सो कनेक्ट करता है, प्रॉब्लम दी है एंड उसका सॉल्यूशन दिया है, तो वहां पे सो कंजक्शन यूज होता है। एंड और कंजक्शन यूज होता है टू सो चॉइसेस। और कंजक्शन चॉइस के लिए यूज होता है, जिसमें हम आपके पास चॉइस है। राइट सो और टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में हमने सो एंड और कंजक्शन यूज करना है इन्हें कम्प्लीट करने के लिए। नंबर वन, माई क्लोथ्स वर डर्टी, आई वॉश देम। यहाँ पे क्लोथ्स कैसे हैं? डर्टी थे, इसलिए मैंने उन्हें वॉश किया। सो आई वॉश देम। यहाँ पे प्रॉब्लम दी है एंड उसका सॉल्यूशन भी दिया है कि मेरे कपड़े गंदे थे तो मैंने उन्हें वॉश किया। तो यहाँ पे सो कंजक्शन यूज हुआ, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। You can buy lunch at school or you can pack it at home. यहाँ पे आपके पास choice है, तुम लंच ले सकते हो स्कूल में या तुम घर से उसे पैक कर सकते हो। तो यहाँ पे choice है, तो और कंजक्शन यूज हुआ है। We can play in the park, we can go to the playground. यहाँ पे हमारे पास choice है, हम पार्क में खेल सकते हैं या हम प्ले ग्राउंड जा सकते हैं। सो choice के लिए और कंजक्शन। I have done my homework. I can go to play now. मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, so I can go to play now. इसलिए मैं अब खेलने जा सकता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम एंड विद सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन हो गया है, तो यहाँ पे सो कंजक्शन यूज हुआ है। Does सिया want to sing or she want to dance? यहाँ पे चॉइस है, क्या सिया गाना गाना चाहती है या वो डांस करना चाहती है। तो यहाँ पे चॉइस है और कंजक्शन। यू कैन बाय अ बाइसाइकिल और अ बाइक। यहाँ पे भी चॉइस है, तुम एक बाइसाइकिल ले सकते हो या एक बाइक ले सकते हो। डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी?
यहाँ पे भी चॉइस है, क्या तुम एक मूवी देखना चाहते हो और डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक, और क्या तुम पिकनिक के लिए जाना चाहते हो, या तुम पिकनिक के लिए जाना चाहते हो, ये क्या है, चॉइस है। माई रूम वॉज मैसी सो आई क्लीन्ड इट, यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है विद सॉल्यूशन, मेरा रूम कैसा था, मैसी था, तो मैंने इसे क्लीन किया, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन सो यूज हुआ है। आई वॉज सिक टूडे सो आई टेक अ लीव फ्रॉम माई ऑफिस, आज मैं बीमार था इसलिए मैंने अपने ऑफिस से एक लीव ले ली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं बीमार था, तो सॉल्यूशन क्या किया, छुट्टी ले ली, सो कंजेक्शन यूज हुआ है। तो आपको समझ आया होगा सो कंजेक्शन किस लिए यूज होता है, प्रॉब्लम जहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी है एंड और जहाँ पे आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, तो और कंजेक्शन यूज हुआ। नेक्स्ट इज बिकॉज, बिकॉज इज अ कंजक्शन, ये एक रीजन के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमारे पास एक रीजन है, रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है, तो वहाँ पे बिकॉज यूज होता है। नाउ सी फर्स्ट द गर्ल रैन बिकॉज सी वॉज एफ्रेड, गर्ल दौड़ी, क्यों दौड़ी, क्योंकि वो एफ्रेड, डरी हुई थी। तो यहाँ पे बिकॉज रीजन दिया हुआ है कि वो डरी हुई थी इसलिए वो दौड़ी, तो बिकॉज किसके लिए यूज होता है, रीजन की। आई लाइक हिम बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूँ, अब मैं क्यों पसंद उसे करता हूँ, क्या इसका रीजन है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, क्योंकि वो ईमानदार है। सो यहाँ पे हम बिकॉज यूज करेंगे रीजन के लिए। आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं जल्दी चले गया क्योंकि क्या रीजन था, क्योंकि मैं थका हुआ था। माई हाउस इज वेरी ओल्ड, मेरा घर बहुत पुराना है, क्यों है, बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स बिल्ट, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसे बनाया था, तो पुराना हो गया है। वी स्टेड एट होम, हम घर पर रुक गए, क्यों, क्या रीजन था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। मॉम बॉट अ न्यू ड्रेस, मम्मी क्या लेके आई, एक न्यू ड्रेस क्यों लेके आई, क्योंकि ये मेरा बर्थडे था, बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे, क्योंकि मेरा बर्थडे था। नेक्स्ट इज देयर फोर एंड अनलेस, देयर फोर और अनलेस क्या है, कंजेक्शंस हैं। देयरफॉर इज यूज टू शो रिजल्ट इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, देयरफॉर किसके लिए यूज होता है, रिजल्ट के लिए, शो करने के लिए रिजल्ट या एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा इसे शो करने के लिए देयरफॉर यूज होता है। एंड अनलेस मीन्स एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन डेट, अब देखो देयरफॉर और अनलेस का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सी विल बी सिक, सी स्टॉप्स ईटिंग, वो बीमार थी, अनलेस सी स्टॉप्स ईटिंग, ओके, यहाँ पे क्या है, रिजल्ट शो क्या हुआ है। नेक्स्ट, माई सन फिनिश हिज होमवर्क, ही कांट गो आउट, यहाँ पे क्या होगा, अनलेस अनलेस माई सन फिनिश हिज होमवर्क ही कांट गो आउट, तो मेरे सन ने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया तो बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। सी केम फर्स्ट, वो फर्स्ट आई, therefore she got a good seat, इसलिए उसे एक गुड सीट मिली। यू लीव होम एट वंस, यू विल बी लेट फॉर वर्क, unless यू लीव होम एट वंस, यू विल बी लेट फॉर वर्क। नेक्स्ट, आई एम स्लीपी, आई एम गोइंग टू बेड, मैं स्लीपी हूँ इसलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, therefore इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, ओके। सो दीज आर सम कंजेक्शंस, हमने इसमें पढ़ा एंड बट कंजेक्शन, सो एंड और, बिकॉज एंड देयर फोर एंड अनलेस, कंजेक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड है एंड इट ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टूगेदर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वट आर कंजेक्शंस एंड यूज ऑफ कंजेक्शंस। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।